स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूं मरीज अग्निहोत्री। चलते हैं आज की अपनी खबरों की ओर। पीएम मोदी गुरुवार को उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने एवं तेज करने तथा पहली बार के निर्यातक एमएसएमई के क्षमता निर्माण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी में नई विशेषताओं की भी शुरुआत की जाएगी। श्री मोदी 2022 से 2023 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। असम में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को और अधिक बिगड़ने से 5 और लोगों की मौत हो गई तथा 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। कछार के सिलचर शहर में ज्यादातर इलाके हफ्ते भर से अधिक समय से जलमग्न हैं। असम मिशन निदेशक लक्ष्मी प्रिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दल ने भी प्रभावित लोगों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शहर का दौरा किया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजस्थान जिले के भीमा इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में हुई इस हत्या के बाद हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है और कई दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी हालात तनावपूर्ण होता देख अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है। मुंबई के कुर्ला में गिरी बहुमंजिला इमारत, 10 की मौत, 13 हुए घायल। मुंबई के पूर्वी उपनगर कुर्ला के नाइक नगर में मंगलवार को एक 4 मंजिला इमारत के पूरी तरह ढह जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक महिला सहित करीब 13 अन्य घायल हो गए। दमकल विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुर्ला के नाइक नगर में सोमवार देर रात 4 मंजिला इमारत पूरी तरीके से ढह गई, जिससे इमारत में रह रहे कई लोग मलबे में दब गए। बचाव और राहत कार्य हालांकि जोरों पर है। इस बीच महाराज के मंत्री सुभाष देसाई ने इस दुर्घटना को मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 4 रन से पराजित कर दिया। भारत ने डबलिन में खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मैच में आयरलैंड को 4 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही सीरीज पर 0-2 से कब्जा कर लिया है। टीम ने इससे पहले आयरलैंड को 7 विकेट से हराया था। भारत ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 226 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 221 ही बना पाई। भारत के लिए दीपक हुड्डा ने शतक जड़ा, जबकि उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट लिए। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद खबरी, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पर नजर।